प्रमुख रूप से अलीगंज लखनऊ का पर्व है, और एक बार एक नवाब असाध्य रोग से पीड़ित हुए थे, तो उनकी बेगम ने हनुमान जी से मनौती मांगा तो वो ठीक हो गए। तो उस दिन यही जेठ का मंगल था, तो उन्होंने वहाँ पर चांद और चांदी का सितारा वो हनुमान जी के मंदिर में धारण करवाया और ध्वजा धारण की और भंडारा की। तब से यह मंगलवार जो बड़ा मंगल आज एक पहला है, एक ही मनाया जाता था। आज के दिन उच्च न्यायालय भी बंद रहता है क्योंकि लखनऊ का स्थानीय छुट्टी है, और धीरे धीरे यह प्रचलन फिर हमने यहाँ शुरू किया नाका हनुमानगढ़ी में 1992 से, जो आज पूरे प्रदेश में एक धार्मिक रूप ले चुका है। और बड़े उल्लास के साथ 5 बजे सुबह से ही आज भक्तों का यहाँ मेला लगा रहा, लोग आए और हनुमान जी की आराधना किए। हनुमान जी को कदली का फल, चना और सवा मनी, शरबत, लड्डू और बूंदी का भोग लगाया गया, भक्तों में वितरित किया गया, मालपुआ का भोग लगाया गया। इसी तरह इसका कोई पौराणिक महत्व तो नहीं मिलता है, लेकिन जनश्रुति के अनुसार यही है कि यह पर्व लखनऊ से प्रारंभ हुआ, जो आज पूरे देश में ये बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ तक कि लोग अपने दरवाज़ों में शीतल जल, जगह जगह भोजन भंडार और फलों का वितरण, और इसके साथ साथ अब 4 मंगल जो ज्येष्ठ के होंगे, ये 4 मंगल इसी तरह से हनुमान जी की उपासना के रूप में मनाए जाएंगे। और राहगीरों का जो भीषण गर्मी में है, वह लोगों को जल पिलाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि वो अपने दरवाज़ों पर मटका रखें और पानी की बोतल रखें, और राहगीरों को, पशु पक्षियों को जल ज़रूर पिलाएं, जल को बर्बाद न करें, जल ही जीवन है। और आज सभी को बड़े मंगल की बहुत बहुत बधाई।